हेलो दोस्तों, आप लोग का सोनी बुटीक्स में स्वागत है। आज मैं ब्लाउज का स्टिचिंग करने जा रही हूँ। इसका लंबाई है टोटल 15 इंच, 6 इंच है इसका शोल्डर का लंबाई और 8 इंच है कमर का लंबाई इसका, और आर्मों का है 6 इंच, शोल्डर का है 3 इंच। अब मैं इसको स्टिचिंग कर रही हूँ। मैं इसमें लेस बैठा करके दिखा रही हूँ इसको। पहले मैं स्टिचिंग करके इसको कपड़े को पलटूंगी, पलट करके इसको दिखा रही हूँ। बत्तीस इंच का ब्लाउज का है साइज। चारों तरफ से कटिंग को कर लिया है। अब इसको मैं ऐसे पलट ले रही हूँ। पलट करके मैं इसको आर्मों की तरफ से ऐसे स्टिचिंग कर ले रही हूँ। अच्छे से इसको बैठा दे रही हूँ, कपड़े को चारों तरफ से बैठा करके। अब मैं इस पर ऐसे चाप सिलाई दे दे रही हूँ ताकि फिनिशिंग अच्छे से बैठ जाए। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, सब्सक्राइब कीजिए। मैं पीछे ऐसे प्लेट दे रही हूँ 4 इंच पर करके। अब मैं इस पर लेस बैठा रही हूँ। डोरी भी मैं साथ में अटैच करके लगा दे रही हूँ, एक साथ में स्टिचिंग कर दे रही हूँ। इसको एक लेस लग गया है मेरा, इसका पूरा स्टिचिंग हो गया है। डीप कलर ब्लाउज है ये। दोस्तों, आगे भी वीडियो में लेकर आती रहूँगी अच्छे। मैं तो ऐसे ही की हूँ।
माप के हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से करिएगा। लेस मेरा बैठ गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए। नीचे मैं येलो कलर का पाइपिंग दे रही हूँ कमर के साइड में। क्योंकि येलो कलर का साड़ी है तो इसमें येलो कलर का मैं पाइपिंग दे रही हूँ नीचे की साइड में। चौड़ा पट्टी में मैंने दिया है इसको। दोस्तों इस पर लेस भी अटैच किया है, बैठाया है। मेरा तैयार हो गया। बाय बाय, तब तक के लिए। ब्लाउज मेरा रेडी हो गया है, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.